नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है, अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज के मुख्य हेडलाइंस पर। एनआरसी व कैब को लेकर राज्य भर में उत्तेजना की माहौल लगातार जारी, कई ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों के सर पर हाथ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सड़क पर उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 8% बोनस नहीं दिए जाने को लेकर ज्वाइंट फोरम ने दार्जिलिंग जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी के बागा जतिन पार्क से निकली रैली में तृणमूल समर्थकों ने नो कैब नो एनआरसी के विरोध में लगाए नारे। बंगाल सफारी में आज से शुरू हुई टॉय ट्रेन की यात्रा। रेलवे को प्रतिदिन हो रहा है 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान, तोड़फोड़ व आग लगी में रेलवे को अब तक 10 से 15 करोड़ का लग चुका है चूना। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सिक्किम में भी विरोध तीव्र होता दिख रहा है। इसी को लेकर केंद्र कर आज राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने इस कानून के द्वारा सिक्किम राज्य में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने का दावा किया है। आज पूर्व सिक्किम के रांका में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दावा किया। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विरोध का भी जिक्र करते हुए राज्य में हो रहे विरोध का सहारा लेते हुए सिक्किम राज्य के विपक्षी पार्टियों के द्वारा राजनीति रोटी सेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब तक सिक्किम के संवैधानिक सुरक्षा कवच धारा 371F रहेगी, तब तक इस तरह के किसी भी कानून के द्वारा सिक्किम को किसी भी तरह की प्रभाव न पड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि देश के गृह मंत्री के द्वारा संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पेश करते समय यह बात स्पष्ट रूप से कहने की बात कही। आज नॉर्थ ईस्टलाई जो प्रकार माया गरे वर्तमान सरकार ने, आज एनडीए गवर्नमेंट ने या वर्तमान नरेंद्र मोदी माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार ने जो प्रकार को काम कर हम खुशी होने पर्च क्योंकि आज 371F लाई कुछ प्रकार को खतरा छैन अनि केप लागू हुँदैन जबसम्म चाहिँ राज्य सरकार को विधानसभा अनि कैबिनेट ने पास गर्दैन तबसम्म यो केप लागू हुने कुरै छैन भनेर गृह मंत्री महोदय भनिसकेपछि त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसलाई त्यसैको इशू बनाउनु हुँदैन। आज दुई चार जनाले इशू बनाउँदैछ अनि कोले इशू बनाउँदैछ जो चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटीमा आसामबाट पढ्न आएको सुनसै बिहारबाट पढ्न आएको अनि वेस्ट बेङ्गालबाट पढ्न आएकोले चाहिँ आज नेतृत्व गरेर चाहिँ रैलीहरू निकाल्दैछ तर सिक्किममा यसको कुनै असर पर्दैन र आज भारत सरकारले हामीलाई आश्वासन दिइसक्नु भएको छ अनि भारत सरकारले प्रधानमन्त्रीको स्तरमा पनि अनि गृह मन्त्रीको स्तरमा पनि हामीले सबै कुराहरू है हामीले विश्वास गर्नुपर्छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। जसरी हिजो अस्ति आजभन्दा दुई महिना अगाडि एउटा इस्यु आएको थियो कि कञ्चनजङ्घामा चाहिँ जम्मा 237 हिमालहरूमा चढ्न पाउने अनुमति भारत सरकारले गृह मन्त्रीले या होम मिनिस्टरले एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो त्यसमा 24 चाहिँ हाम्रो पिकहरू हाम्रो चुचुराहरू सिक्किमको पनि 24 परेको थियो अनि 24 14 चाहिँ एकदमै सेक्रेट पिकहरू थियो या पवित्र हिमाल चुचुरा थियो जसलाई चाहिँ हामी पूजा गर्थ्यौँ। पहिला निकालेको थियो 24 नोटिफिकेसनमा सबै 24 चढ्नु पाउने अब पर्यटकहरू चढ्नु पाउने है माउन्टेनमा गर्नु पाउने थियो तर जब हामीले नोटिफिकेसन निस्किएपछि भारत सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ अनि भारत सरकारसँग हामीले पत्रचार गऱ्यौँ कि हाम्रो यो 14 हिमालको चुचुरा चाहिँ एकदम पवित्र चुचुरा हो हामी पूजा गर्छौँ पाङलाब्सोङको दिन पूजा गर्छौँ यसलाई त हामी एकदम पूजा गर्छौँ हाम्रो शिर मान्छौँ भनेर यसलाई चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ बचाइदिनु भनेर जब हामी पत्रचार गरेपछि भारत सरकारले तुरन्त त्यो 14 14 चढ्नु नपाउने फेरि नोटिफिकेसन निकाल्यो भने चाहिँ आज भारत सरकारले सिक्किम सरकारले भनेको कुरा मान्दैछ भने तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्।
एनआरसी व कैब को लेकर राज्य भर में उत्तेजना की माहौल देखी जा रही है। सड़कों, स्टेशनों आदि जगहों में प्रदर्शन रैलियां निकाली जा रही है एवं इन सभी के बीच ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों के सर पर हाथ है। उक्त यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार पर्यटन मंत्री गौतम देव ने क्या क्या कर्मसूची ली है सुनिए उन्हीं से। एज यूजुअल আমাদের যা প্রোগ্রাম আছে সব হচ্ছে। আজকে খ্রিস্টমাস ফেস্টিভ্যাল তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যালেন পার্ক থেকে স্টার্ট করে দিচ্ছে। আমাদের এখানে আমরা রাস্তা সাজাবো, খ্রিস্টমাসের ফেস্টিভিটিস সব জায়গাতে যেভাবে হয় সবটাই স্পেশালি আমরা যা করি খ্রিস্টমাসে সেটা আমরা বলেই তো দিলাম। আমরা কালকে আমি আলিপুরদুয়ারে করেছি, তাদের ব্যবস্থা এখানে অনেকে বাইরোডে গেছে, মালবাজারে ওদের কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য একটা বাসের ব্যবস্থা করছি, আর এখানে 10-12 জন মতো লাস্ট আছে তাদের আমরা হসপিটালিটি দিচ্ছি, তারাও ধীরে ধীরে চলে। একটা বাস বলেছি আমি মালবাজারে অনেকে আটকে গেছে, আমাকে একটা ভলভো বাস চালিয়ে দিতে পারে। দেখুন ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছে নো এনআরসি নো ক্যাব হতে আমরা দেব না, কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে। এই এই টোটাল বিষয়টাকে ডাইলিউট করে দেওয়ার জন্য একটা স্বার্থান্বেষী মহল খুব গভীর চক্রান্ত করছে, সেটার বিরুদ্ধে মানুষকে সংযতভাবে সংহত করে রাস্তায় নেমে গেছে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরাও সবাই রাস্তায় নামবো, এখন আমি মিছিলেই যাচ্ছি। এনআরসি ও ক্যাব কে প্রতিবাদ মে আজ শিলিগুড়ি মে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কি তরফ সে এক বড়ি র্যালি কা আয়োজন কিয়া গয়া। শিলিগুড়ি স্থিত বাঘা যতীন পার্ক সে শুরু হুই ইস র্যালি মে জেলা তৃণমূল অধ্যক্ষ রঞ্জন সরকার, মন্ত্রী গৌতম দেব কে সাথ জেলে কে কই নেতাগণ ভি মৌজুদ থে। তৃণমূল সমর্থকো নে নো এনআরসি নো ক্যাব এবং গৃহমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কে খিলাফ মুর্দাবাদ কে নারে ভি লগায়। মিছিল করছি আমরা, পথ পরিক্রমা করবো, সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষরা এসছেন এবং সবাই মিলে সঙ্গতভাবে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা এই প্রতিবাদ জানাতে চাই এবং এই কথাটা আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে বাংলায় কোনো অবস্থাতে এনআরসি হবে না ক্যাব হবে। আমরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে আইন মাফিক আন্দোলন হোক, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে, আমরা মানুষকে সঙ্গতভাবে সংযতভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা সেই পথেই পৌঁছাব। জয়েন্ট ফোরাম কি তরফ সে চায়বাগান শ্রমিকো কে 8% বোনাস মানিক পক্ষ কে দ্বারা ডিসেম্বর তক দিয়ে জানে কি বাত কহি গই থি, লেকিন অভি তক প্রবন্ধন কি তরফ সে উক্ত বোনাস কো শ্রমিকো কো নহি দি গই হে। ইসি কো লেকার কেন্দ্র কর আজ দার্জিলিং জেলা অধিকারী কো ইস বিষয় পর এক জ্ঞাপন পত্র সৌঁপা গয়া। সাথ হি হ্যাপি চায় ভ্যালি বাগান কে স্টাফ সব স্টাফ এবং শ্রমিকো কো লগভগ 3 সপ্তাহ কা রোজগার নহি দিয়ে জানে কে বিষয় কো লেকার ভি ज्ञापन सौंपा गया। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन ये यो 22 तारिक भित्रमा दिनुपर्ने जुन 18-19 को बोनस छ 8% र यो 22 तारिक डिसेम्बर भित्रमा दिइसक्नुपर्छ भनेर जुन हाम्रो लेबर डिपार्टमेन्टको अफिसमा कलकत्तामा भएको थियो, तर आजसम्म पनि कुनै पनि मालिकले त्यसमा चासो देखाएको छैन र अहिले त्यो बहाना गरेर नाना भाँतीको कुराहरू गर्दैछ, मालिकले एउटा न्यू खोज्ने कामहरू गर्दैछ, यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र सरकारको पक्षबाट र पहल गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले आज जोइन्ट फोरमको माध्यमबाट एउटा ज्ञापन टक्राएका छौँ। र विशेष गरी के हो भनेदेखि जुन यो 18-20-19 को जुन बोनस छ, बोनसको जुन 8% छ हिस्सा जुन दिनुपर्ने कुरा छ, यो विषयमा कलकत्तामा भएको बैठकमा विशेष गरी हाम्रो लेबर श्रम मन्त्री सामान्य मलाई घटकको निवेदनमा नै हामीहरूले र तपाईँहरूले मानिदिनुपर्छ र यो 2 इन्स्टलमेन्ट भन्ने कुरा, अनि यो 22 तारिक अगस्तभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले मानिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामी सम्पूर्ण युनियनहरूले त्यसलाई मानेका थियौँ र हुन्छ भनेर हामीले एउटा त्यही आधारमा एउटा मिटिङ समाप्त भएको थियो। तर आज जनवरीको कमसे कम 16 तारिक पुग्दाखेरि पनि कुनै पनि डिसेम्बरको यो 16 तारिक पुगिसक्दाखेरि कुनै पनि मालिकहरूले यसप्रति चासो देखाएको छैन र यसलाई चाहिँ उचित पहल गरिदिनुपर्छ भनेर नै हामीले यो डिएम
लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टिकट कैंसिल करवाने वाले यात्रियों को रेलवे पूरी रुपए वापस कर दे रही है। इसी को लेकर एसके लाइव ने यात्रियों से बातचीत भी की। चलिए सीधा ले चलते आपको सिलीगुड़ी के हाशमी चौक स्थित आरक्षण केंद्र पर और सुनते हैं परेशानी से जूझ रहे यात्रियों का इस विषय पर क्या कहना है। हल्दीबाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कानकी থেকে রিটার্ন হয়েছে। পাঁচ ঘন্টা বসেছিলাম, কালকে এনজিপিতে বললাম, এনজিপিতে হলো না, অনেক লাইন ছিল, বললো এখান থেকে ক্যান্সেল করে নিতে। এখন দেবো বুধবারে আবার পাই কি না, কলকাতায় যাবো তো বুধবারের দরকার আছে। অনেক প্রবলেম, সারাটা দিন বসেছিলাম। আমি শিলিগুড়ি থেকে যেতাম, আমার একটা ফাংশন ছিল কলকাতায়, অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না, বইতের ফাংশন অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না আমার ফ্যামিলি নিয়ে। কালকে চারটের সময় আমাদের জানানো হলো যে ট্রেন ক্যান্সেল করা হয়েছে। আজ সুবহ কা হাম লোগ কা শতাব্দী কা টিকিট থা, তো ও হাম ক্যান্সেল করকে পুরা 100% রিফান্ড দিয়া হ্যায়, লেকিন ও লোগ টিকিট নেই দে রহা হ্যায়, বোলে কি তৎকাল সে কাটওয়ানে কে লিয়ে আমি হাম ব্রোকার সে কাটওয়া রহে হ্যায়, তো ও লোগ বোল রহে হ্যায় কি আমি কনফার্ম নেই হ্যায় হাম দে পায়েঙ্গে কি নেই, ইসলিয়ে হাম বাহার সে ব্রোকার সে কাটওয়া রহে হ্যায়। ইয়ে রহা মেরা ক্যান্সেল মেসেজ জো রাত কো আয়া থা, অর ইয়ে মেরা ক্যান্সেল কা রিফান্ড जो दिए है अभी हम ब्रोकर से कटवा रहे हैं। बंगाल सफारी में आज से शुरू हुई टॉय ट्रेन की यात्रा, उक्त समय में उपस्थित थे मंत्री राजीव बंदोपाध्याय, राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव सह उच्च वन अधिकारी गण। बाद में मंत्रियों ने पत्रकारों से भी बातचीत की। दिन जे पर्यटन दफ्तर सहायता है आज के हमारा यही ट्रैकलेस टॉय ट्रेन हमारा आनुष्ठानिक भावे बेंगल सफारी जरा जरा आसबें तरह আমরা উৎসর্গ করছি আর কি। এবং আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানীয় পর্যটন মন্ত্রী, যিনি অত্যন্ত সহযোগিতার হাত সবসময় আমাদেরকে বাড়িয়ে দেন এবং সবসময় আজকে বেঙ্গল সাফারি ওনার মানে অকৃপণ সহযোগিতা আমরা পেয়েছি সবসময়, এবং সবসময় তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন, তবেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আজকে ভালোভাবে কাজ করতে পেরেছে। এবং বেঙ্গল সাফারিটা আপনারা জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ড্রিম প্রজেক্ট, স্বপ্নের প্রজেক্ট, তিনি নিজে এটাকে উদ্বোধন করেছেন এবং আমরা আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আমরা ট্র্যাকলেস টয় ট্রেনও এখানে এই যারা দর্শনার্থী আসবেন বা যারা ট্যুরিস্ট আসবেন তাদের জন্য আমরা আজকে উৎসর্গ করলাম। এখানে উপস্থিত আছেন মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী, আমি অনুরোধ করছি পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব মহাশয়কে এই ব্যাপারে একটু কিছু বলার জন্য। আমি ধন্যবাদ দেবো মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবকে, আমি যা বলেছি যার সহযোগিতা না থাকলে আমরা এতদূর এগোতে পারতাম না, এবং আমি খুব চেয়েছিলাম যে ওনার হাত ধরেই এটা হোক এবং উনি আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের এখানে আরেকজন উপস্থিত আছেন, আপনারাও জানেন যে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সকলে আরেকজন বিধায়ক শ্রী প্রবীর ঘোষাল মহাশয় আমাদের এখানে এসেছেন, তিনিও অত্যন্ত জঙ্গল এবং পরিবেশকে ভালোবাসেন, তিনিও আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দের দিন যে অনেকদিন ধরে আমরা এই ট্র্যাকলেস টয় ট্রেন এখানে চালু করার চেষ্টা করেছি, অনেকগুলো কম্পোনেন্টস ধীরে ধীরে এখানে আমরা ইনকর্পোরেট করছি, ইনক্লুড করছি, যাতে বেঙ্গল সাফারিটা খুব সুন্দরভাবে হয়। আর আপনারা জানেন যে এটা যেই সময় শুরু হয়েছিল নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করেছিল, ট্যুরিজমও ছিল সেই সময়, পরবর্তীকালে সবাই মিলে এটা করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা খুব সাকসেসফুল প্রজেক্ট, এবং এখন এটাতে আমাদের যা খরচ আছে সেই খরচগুলো মিট করে গভর্নমেন্ট এক্সচেকার থেকে খুব বেশি অর্থ দিতে হচ্ছে না, এবং এখানে তিনটে বাঘ বাচ্চা এখানে শাবক জন্ম নিয়েছিল, তার মধ্যে একটা সাদা বাঘ আছে, একটা মারা গেছে বাঘ, কিন্তু দুটো বাঘ বড় হয়ে উঠছে, সেগুলোকেও সাফারিতে আমরা ছেড়েছি, এবং আরও অনেকগুলো এখানে বাটারফ্লাই পার্ক থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হবে যাতে পার্কটা আরও সুন্দর হয়। আজকে আমরা খুব আনন্দিত যে এই টয় ট্রেনটা একটা নবতম সংযোজন, বড়দিন আসছে সামনে, একটা ফেস্টিভ মুডে আছে সবাই, ইংরেজি নববর্ষ আর কি, তার আগে এটা একটা ভালো প্রজেক্ট, এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং সারা বিশ্বেই পর্যটন আর বন দপ্তর এবং পরিবেশ দপ্তর এটা হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে। আমাদের বাংলায় পর্যটনের একটা মূল আকর্ষণ হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ আর হচ্ছে এই
জঙ্গল সেটাকে আমরা কত সুন্দর করে ইকো ফ্রেন্ডলি ওয়েতে ব্যবহার করতে পারি সেটা বড় বিষয়। এবং আমরা খুব আশাবাদী যে রাজীব ব্যানার্জি হয়েছেন, উনি এর আগে অনেকগুলো দপ্তর দপ্তরের সঙ্গে চালিয়েছেন, এটা বন দপ্তর এবং আমরা একসাথে মিলে কাজ করবো। এবং এনআরসি ও ক্যাব কে খিলাফ तीन दिनों तक जारी आंदोलन से रेलवे को प्रतिदिन हो रही है 20 से 25 लाख रुपए की नुकसान। आंदोलन के दौरान ट्रेनों में तोड़फोड़ व आगजनी से रेलवे को अब तक 10 से 15 करोड़ की नुकसान हो चुकी है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं। रेलवे नहीं बोल पा रहा कि कब तक सामान्य होगी स्थिति। एनआरसी व कैब को लेकर पिछले तीन दिनों से जारी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव रेल परिसेवा पर पड़ा है। विभिन्न स्थानों में हो रहे हिंसक आंदोलन के कारण पिछले तीन दिनों से कई ट्रेनें रद्द किए जाने के बाद मालदा जिले के विभिन्न स्टेशनों में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। ट्रेन रद्द होने से इन यात्रियों का बुरा हाल है। मालदा टाउन स्टेशन की हालत तो और भी चिंताजनक है। खुद मालदा के DRM को यह नहीं पता कि रेलवे परिसेवा कब सामान्य होगी। वहीं स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर रेल प्रबंधन के अनुसार ट्रेनों के इस तरह अचानक रद्द किए जाने से प्रतिदिन 20 से 50 लाख रुपए का रेलवे को नुकसान हो रहा है। वहीं एनआरसी व कैब को लेकर अब तक विभिन्न स्टेशन में हुए तोड़फोड़ व आगजनी में अब तक रेलवे को 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि मालदा टाउन स्टेशन से प्रतिदिन 60 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही होती है, जिनमें 20 जोड़ी मालवाही ट्रेनें शामिल है। कोलकाता रूट के सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। मालदा NGP रूट पर भी ट्रेन परिसेवा पूरी तरह से ठप है। दो घंटे जाबो बर्धमान हुए अनगल समस्या वही NRC যেটা হয়েছে সেন্ট্রাল থেকে করেছে সেটার জন্য এবার মানে সাধারণ যে পাবলিক আছে ওরা বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করছে, ট্রেনের উপর অ্যাটাক করছে, কোথাও পাথরবাজি করছে, এইসবের জন্য কোথাও অবরোধ করছে, যার জন্য বিভিন্ন ট্রেনগুলো আটকে রয়েছে, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। আমি চাইবো এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সমাধান হোক এবং সাধারণ যেন এই সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষ এই সমস্যা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে। অনেকের অনেক রকমের প্রবলেম হচ্ছে, যারা যেতে পারছে না, অনেকের পেশেন্ট রয়েছে, অনেকের সার্ভিস রয়েছে যারা যেতে পারছে না, স্টুডেন্ট রয়েছে ওদেরও কালকে শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু তারা দেখুন প্রত্যেকেই বসে রয়েছে, অনেকে তো ঘর থেকে বেরোতে পারেনি ভয়ে রাস্তায় কী হবে জানে না। मैं सुबह 10 बजे 10:30 बजे सीख रहा हूँ कोलकाता। प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो बिल आया हुआ है उसके वजह से जगह जगह पे स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है काफ़ी डिले हो रही है और कुछ भी अपडेट पता नहीं चल रहा। इसमें बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इंडियन रेलवे को इस पर ज़्यादा फोकस करके लोगों का जो सहूलियत है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे को दो ढाई घंटे हो गए नहीं, कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट ये किशनगंज में दिखा रहा है और दो घंटे से वही अपडेट लास्ट दिखा रहा है उसको। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन की स्थायी योजना यशोधरा का उद्घाटन आगामी 18 दिसंबर को 32 नंबर वार्ड स्थित तीनबत्ती मोड़ पर की जाएगी। पत्रकार सम्मेलन में क्लब की सदस्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम यशोधरा बोल के, जैसे लायंस क्लब की तरफ से बहुत सारे काम हुए हैं आज तक, पर अभी तक ये प्रेगनेंसी को लेके किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हेल्प नहीं आया। तो हमारे मन में एक महिला क्लब होने के नाते हमारे मन में आया कि हम एक महिला क्लब खोलते हैं, जिसमें हम जैसे ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि बहुत सारी गर्भवती औरतें हैं जिनको, अभी महिलाएं हैं जिनको कोई भी ऐसा हेल्प नहीं मिलता है कि उनकी अच्छी से पूरे 9 महीने देखभाल हो जाए, डॉक्टर्स की जांच हो जाए ताकि बच्चा भी स्वस्थ हो, माँ भी स्वस्थ रहे। तो उसी को देखते हुए हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं यशोधरा। देखिए, हम लोग का एक लेडीज क्लब है ये, और देखने में आया कि बहुत सारी जो नीडी प्रेग्नेंट वुमन है, पैसे की कमी के कारण वो अच्छे 9 महीने अपने ठीक से देखभाल नहीं कर पाती है, डॉक्टर्स का चेकअप नहीं कर पाती है अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं ले पाती है आयरन कैल्शियम की, क्योंकि वो भी बहुत महंगी होती हैं। तो इस वजह से दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं 9 महीने एक माँ की हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ 9 महीने अच्छे से उसका चेकअप होगा, उसकी जाँच होगी, तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी, और यही बच्चे देखिए आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और इस और अभी तक लायनिज्म में कभी काम नहीं हुआ है, ये सोच के ही हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा। इसमें क्या है, 9 महीने तक हम जो वाकई अंडर प्रिविलेज प्रेग्नेंट नीडी वुमेन है उसको उसका हेल्थ चेकअप कराएंगे, और किसी भी औरत का
स्वास्थ्य होना, मतलब उसका वो हेल्दी मदर होगी तभी वो हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएगी। हेल्दी होने से वो हेल्दी बेबी को जन्म देगी, और एक स्वस्थ मदर किसी भी एक स्वस्थ औरत का एक समाज को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के साथ ही एक अपन हेल्दी नेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और देखें हम लोग इसमें कितना आगे बढ़ते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं सब। हम तैयार हैं पूरा सहयोग करने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज भी बवाल जारी है। आज खुद सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लगातार चौथे दिन सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि सड़क जाम करने और ट्रेन रोकने की घटनाएं राज्य के कई हिस्सों में हुई। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राजधानी कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ सड़क पर उतरी। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक विशाल रैली आयोजित की गई। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की अपील की। आप बताएंगे कि हम सच्चा हिंदुस्तानी हैं, क्या हम नागरिक हैं और हम नई नागरिक हैं? के अपनारा आमी आवार बोली, आमी हिंसा पसंद करी ना, वायलेंट आंदोलन क्यों जावें ना, क्यों क्यों निजे आखिर गोजाबार जन्न आमी एखोनो बोलछी आमार काछे प्रमाण आछे, बीजेपीर काछे माथा नत करे कोई कोई आप लोगों का आदमी भी हमारा आदमी भी हमारा पार्टी का नहीं है, लेकिन कोई कोई है जो रुपया का मतलब में बीजेपी का साथ मिला के आग जला रहा है कोई कोई जगह पे स्पोराडिक, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लोकतंत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो शांति से काम लेना है, और शांति से काम लेना है तो रास्ता ही हमको रास्ता दिखाएंगे, रास्ता हमारे रास्ता दिखावे, रास्ता ही बड़ो मानुष ही बड़ो कार थेके बड़ो क्यों नय एटा माथाय राखबे। बीजेपी की चाय कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए और वो फायदा लेने के लिए रास्ता निकाले, दैट इज देयर इंटेंशन। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है, देखो इतना प्लेयर लोग है, बहुत धर्म से भी लोगों ने आया, तो आप पूछो कौन और धर्म का आदमी है? हम हिंदू लोग आपका साथ है, हम जब अगर मुस्लिम
कोई खतरा में पड़ेगा। एनआरसी व कैब के खिलाफ लगातार आंदोलन के कारण बस मालिक व श्रमिक संगठनों ने मालदा जिला के दो रूटों पर बस नहीं चलाने का किया निर्णय। पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न हिस्सों में एनआरसी व कैब के खिलाफ चल रहे आंदोलन से उपजे हालातों के मद्देनजर में जिलों के दो रूटों में निजी बसों के मालिकों ने मालदा जिला के चांचल हरिश्चंद्रपुर रूट एवं मुर्शिदाबाद रूट में बस परिचालन बंद रखने का ऐलान किया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक इन रूटों पर बस नहीं चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा एनआरसी व कैब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से बस के मालिक व बस कर्मचारी आतंकित है, जिस वजह से फिलहाल इन दोनों रूटों पर बस नहीं चलने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा हिंसक प्रदर्शन के दौरान यदि आंदोलनकारी बस में तोड़फोड़ व आगजनी करते हैं तो बस मालिकों व बस में सफर कर रहे यात्रियों को काफी नुकसान होगा। इसी के मद्देनजर फिलहाल इन दोनों रूटों में बस नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। हमारे जिले बस पूरी सेवा अतिरिक्त विघ्न घटे जेखने से बंद हो जाने से गंडगोल हो पैसेंजर के बस के नाम हे जेमन आलाल चाँचल मानिकचक चाँचल टोटाल बंद भय जा कलियाचकनगर कलियाचक बैष्णवनगर का चालू आोकाल गाड़ी लोकल गाड़ीगुलो और आपनर बंगाल असम में कैब के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते कई गाड़ियों को न्यू जलपाईगुड़ी लाकर स्थगित करना पड़ा। स्टेशन पर फंसे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए विप्र फाउंडेशन यूथ विंग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्टेशन जाकर यात्रियों की सहायता हेतु आवश्यक प्रयास किया। यूथ विंग ने मीडिया के माध्यम से सहयोग का आह्वान करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अलीपुरद्वार जिला कालचनी ब्लॉक के जयगांव थाना अंतर्गत सोमवार तड़के तोरसा चायबगा निवासी सावित्री छेत्री की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सावित्री छेत्री स्कूटी पर सवार थी, तभी पीछे से आ रही एक ट्रक ने उक्त महिला को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में जयगांव थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। एनआरसी के खिलाफ कालचीनी ब्लॉक के जयगांव हासीमारा हैमिल्टनगंज कालचीनी व राजा भातखावा इन पांच जगहों पर सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कैब व एनआरसी के विरोध में धरना एवं आंदोलन किया गया, जिसमें अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा, तृणमूल कालचीनी ब्लॉक के सभापति असीम मजुमदार सह कई नेतागण एवं भारी संख्या में समर्थकगण मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।